हेलो नमस्ते पीपल, आप लोग कैसे हैं। आज हम बात करने वाले हैं बोवाई सीरीज का तरह ही या फिर बोवाई सीरीज को इंस्पायरेशन मिला ऐसे या फिर बोवाई सीरीज के स्टोरी के साथ मिलता जुलता स्टोरी वाले एनीमे या फिर कार्टून्स के बारे में, यानी तीन ऐसे कार्टून्स और एनीमे जो बोवाई सीरीज के साथ उनके स्टोरी या फिर कैरेक्टर्स मिलते जुलते हैं। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही मजेदार, तो देख लेते हैं ये तीनों सीरीज और कार्टून एनिमे जो बोवाई के साथ सिमिलर है। इसलिए मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, रेगुलर वीडियो बनाने में बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए आज का वीडियो होने वाला बहुत ही मज़ेदार। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो जो पहला शो या फिर कार्टून है वो है बेन 10। इस सीरीज को आप में से बहुत लोग ही जानते होंगे क्योंकि यह बहुत ही फेमस एक कार्टून था कार्टून नेटवर्क के अंदर, जो सब लोग देखते थे क्योंकि इसमें था बहुत ही मज़ा और एलियंस का तड़का, जिसे बहुत ही पसंद करा जाता था। और बोवाई एक तरह से बेन 10 का इंस्पिरेशन था, यानी बेन 10 से ही इंस्पायर किया गया था बोवाई को और बनाया गया था। जैसे कि हमें देखने को मिलता है कि बोवाई अपने पावर्स को इस्तेमाल करने के लिए एक घड़ी यूज़ करता है, वैसे ही बेन 10 भी अपना पावर को इस्तेमाल करने के लिए एक घड़ी यूज़ करता है जो ओमनीट्रिक्स है। और बोवाई जो घूमने आता है दादूलाल के वहाँ, जो उसका दादू होता है, और वहाँ पर उसे अचानक से पावर मिल जाते हैं। और वैसे ही बेन 10 में भी बेन को उसके ग्रैंडपा मैक्स के साथ घूमते वक्त, एक जगह पे कैंपिंग करते वक्त एक ओमनीट्रिक्स मिल जाता है जिससे वह पावरफुल हो जाता है। और दोनों में और एक सिमिलैरिटीज है कि दोनों के ही सुपर विलेंस का तरीका एक ही जैसा है। जैसे कि बेन 10 में बेन 10 का विलेन विलगैक्स एक हरा कलर का एलियन विलेन होता है जो ओमनीट्रिक्स को चुरा के लेकर आ रहा था पर वो चुरा नहीं पाता है, वैसे ही बोवाई के अंदर भी अडूडू ऑचोबॉट को चुरा कर लेकर आया था पर वो कामयाब नहीं होता है, दोनों ही पावर में हासिल नहीं कर पाते हैं, जो बहुत ही दुख की बात है। वैसे ही ये स्टोरी शुरू होता है और दोनों सीरीज़ का मेन एंटागोनिस्ट हरे कलर का है। तो नेक्स्ट सिमिलैरिटीज़ में जाते हैं, तो नेक्स्ट सिमिलैरिटीज़ है नारुतो सीरीज़। हाँ, नारुतो सीरीज़ एक ऐसा सीरीज़ है जहाँ पर एक लड़का जिसके अंदर एक डीमन फॉक्स को अंदर सील कर दिया जाता है, जिसके बाद उसे सब लोग हेट करने लग जाते हैं। और ये एक निंजा स्टाइल एनिमे है जिसे सब लोग बहुत ही पसंद करते हैं। ये एक एनिमेशन है, जापानीज एनिमेशन। तो इस सीरीज़ से भी बोवाई के बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है, जैसे कि नारुतो के अंदर नारुतो अपने क्लोन्स बना सकता है, बहुत सारे शैडो क्लोन बना सकता है, वैसे ही बोवाई के अंदर बोवाई अपने एलिमेंटल स्प्लिट कर सकता है बट लिमिट पे स्प्लिट कर सकता है, ज़्यादा कर नहीं सकता है। और वैसे ही नारुतो के अंदर नारुतो पहले आता है ओरिजिनल सीरीज़, उसके बाद आता है नारुतो शिफुडेन जिसमें रियल स्टोरी दिखाता है, वैसे ही बोवाई के अंदर भी बोवाई ओरिजिनल सीरीज आता है, उसके बाद बोवाई गैलेक्सी आता है। और दोनों में ही और भी एक सिमिलैरिटी है कि बोवाई के अंदर जैसे बोवाई के पिछले जनरेशन मेकामाइटो के जनरेशन को दिखाया जाता है, वैसे ही नारुतो के अंदर भी नारुतो के बाद के जनरेशन यानी बोरुतो के जनरेशन को भी दिखाया जाता है, जो बहुत सारी सिमिलैरिटी है दोनों एनिमे और कार्टून के अंदर। इसलिए बोवाई और नारुतो के अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है और मुझे लग रहा है कि एक वीडियो बना ही लूँ नारुतो और बोवाई के सिमिलैरिटीज़ में। जो भी हो, अब आखिरी वाला में जाए तो थर्ड जो सिमिलैरिटी वाला सीरीज़ है यानी एनिमे है वो है पोकेमॉन। ये सबको ही पता होगा कि बोवाई के अंदर बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ है पोकेमॉन के, बट ये नहीं पता होगा कि बोवाई के क्रिएटर पोकेमॉन से इत्तु सा भी इंस्पायर्ड नहीं हुए थे बोवाई को बनाने समय। जो भी हो, फिर भी पोकेमॉन के अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है बोवाई सीरीज से, जैसे कि बोवाई का एक पावर मिलता है जो पावर होता है ऑचोबॉट के अंदर, जो एक पीला कलर का पावर स्पेयर होता है जो उसे मिलता है, और वो बोवाई और ऑचोबॉट अपने एक दूसरे के अलावा नहीं रह सकते हैं। वैसे ही पोकेमॉन और एश दोनों ही बहुत ही अच्छे दोस्त है, जिस और पिकाचू पीला कलर का होता है और वो दोनों भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। और भी एक सिमिलैरिटी है जो है कि बोवाई के अंदर बोवाई के पास पावर होता है जिससे बोवाई लड़ता है, जो ऑचोबॉट से दिया होता है। और वैसे ही सिमिलर या फिर सिमिलर पर थोड़ा सा उल्टा पोकेमॉन के अंदर पिकाचू के अंदर पावर होता है और एश उसका इस्तेमाल करता है, जो थोड़ा सा उल्टा है बट बहुत सारी सिमिलर है। वैसे ही एस के पास बहुत सारे एलिमेंटल पोकेमॉन है, जैसे कि लाइटनिंग पोकेमॉन, उसके बाद अर्थ पोकेमॉन, बहुत सारे पोकेमॉन हैं जिनके नाम भी है बहुत सारे। वैसे ही
बोबोई के पास भी बहुत सारे एलिमेंटल पावर है जो बहुत सारे सिमिलर लगता है, जैसे कि थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ऐश के भी सारे पोकेमोन 3 बार अपग्रेड होते हैं, बोबोई के भी सारे एलिमेंट पावर 3 बार अपग्रेड होते हैं। तो यही कुछ सिमिलरिटीज है जो मुझे मिला है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। मुझे पता है बहुत कम लोग देख रहे हैं क्योंकि बहुत समय के बाद वीडियो बना रहा हूँ, बट फिर से अपने व्यूज़ को बढ़ा लेंगे क्योंकि आपके सपोर्ट हमारे साथ हमेशा है। इसलिए तो आगे बढ़ता तो एक बात के सब्सक्राइब कीजिए लवल चैनल को, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तब तो लवल का। हाँ बाय।